सब्सक्राइब कीजिए अजय मनी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए, जैसे कि यूट्यूब, ऑनलाइन न्यूज, मेक मनी ऑनलाइन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और एक बार फिर अजयमनी यूट्यूब चैनल पे आप सबका वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग से आप इंडिया में कैसे पैसे कमा सकते हो। काफ़ी सारे लोग इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और लाखों रुपये कमा रहे हैं, तो आप भी कैसे कमा सकते हो इस वीडियो में लास्ट तक आप देखते रहिएगा। दोस्तों फॉरेक्स के बारे में बात करें ना तो काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। बेसिकली मैं गुजरात से हूँ और अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, मतलब छा गए फॉरेक्स का नाम फेमस है वहाँ पर। ओके, तो आप सब भी मतलब कर सकते हो, चाहे आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपका ब्रोकर अच्छा होना चाहिए, फंड मैनेजर अच्छा होना चाहिए, ट्रेडर अच्छा होना चाहिए। ट्रेडर तो आप खुद भी हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मिला जुला के बाद वहीं आती है कि आपका ब्रोकर अच्छा नहीं होता तब आपका फंड फंस जाता है, या तो फिर आपका फंड मैनेजर अगर गलत चुन लिया है और भाग जाता है तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। और ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग नहीं आती है और आप कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं आती और आप कर रहे हो तो लॉस कर सकते हो। तो ब्रोकर, फंड मैनेजर, ट्रेडर या ट्रेडिंग, तो आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ऊपर आपको एक वीडियो दिख रहा है ऊपर की तरफ आई बटन पे, तो वो वीडियो देख के आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक प्लान है आपके लिए जिससे आप स्टार्ट करोगे ना तो आपकी किस्मत रियल में बदल जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर का बहुत महत्व रहता है। अगर ब्रोकर बाहर का है और आप इंडिया में हो और वहाँ से यहाँ पैसा भेज रहे हो तो आपके लिए गलत है, क्योंकि इंडिया के बाहर $2,00,000 से ज़्यादा का आप पैसा नहीं भेज सकते। भेज सकते हो बट उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्म वगैरह सब कुछ साइन करना होता है। अगर आप इंडिया में रह कर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फॉरेक्स का जो ब्रोकर है उसका कुछ इंडिया में लिंक होना चाहिए, तभी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, अभी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सेबी से रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो फॉरेक्स में काम करना है ना इंटरनेशनल लेवल पे और एशिया में काम करना है तो दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए वो ब्रोकर। ब्रोकर दो प्रकार के होते हैं, ए ब्रोकर और बी ब्रोकर। ए ब्रोकर में क्या होता है, सब कुछ सही चलता है, और बी ब्रोकर में क्या होता है, डब्बा ट्रेडिंग होती है, मतलब जो आपकी ट्रेड होती है ना वो पास नहीं होती और आपकी ट्रेड वहीं पर फंस जाती है, अटक जाती है। तो वो जो बी प्रकार का जो होता है ब्रोकर, वो फाइनली लास्ट में तो आपको लॉस ही करवाएगा 100%, क्योंकि वहाँ पे रियल ट्रेडिंग नहीं हो रही है। दूसरा होता है ए प्रकार का ब्रोकर। ए प्रकार के ब्रोकर में क्या होता है, जो आप ट्रेड करते हो ना वो पास होती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पास होती है, MT4 और MT5 में आप सब लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते होगे। बट आपको ये भी पता है कि आप कौन से ब्रोकर के साथ वर्क करते हो। अगर मान लीजिए जो आपका ब्रोकर है ना वो ए में आता है बट वो लास्ट में आपको विड्रॉल देने में प्रॉब्लम करेगा, तो ये सारी बातें मिला के चलना है आपको। ओके, आपका जो ब्रोकर है वो कितना ट्रस्टेड है, उस पर आपने कितना रिसर्च करके रखा हुआ है, वो सब बातें यहाँ पे अप्लाई होती है और करनी भी पड़ती है। दोस्तों बी प्रकार का ब्रोकर है तो पैसा आपका वेस्ट हो सकता है, तो बी प्रकार के ब्रोकर को छोड़िए। अब आपको पता कैसे चलेगा, दोस्तों मैं 4 साल से मार्केट में हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा था, उसके बाद मेरी नज़र पड़ी फॉरेक्स पे। काफ़ी सारे दोस्त कर रहे थे और बोला भी, बट राइट टाइम होता है बंदे को करने का, तो मैंने सोचा कि अब इसको स्टार्ट करते हैं। और रियल में मैंने स्टार्ट किया, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत रियल में बहुत पैसा आ रहा है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 मंथ में $1,00,000 के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर मेरी पूरी टीम के बारे में बात करूँ तो 2 लाख के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मेरी अपनी टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके, पर्सनली मैंने आपको बता दिया, बट टीम के बारे में बात करूँ तो इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो सोचिए पूरा इंडिया कितना इन्वेस्टमेंट करता होगा। MLM कंपनी में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हो बिना सोचे बिना समझे। मैंने काफ़ी ऐसे भी दोस्त देखे हैं 25-25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर लॉस कर देते हैं। उसका 50% भी अगर फॉरेक्स में डाले ना तो बहुत पैसा दोस्त मिलता है रियल में।
मेरे पास जब MLM कंपनियां बंद होती हैं ना और उस पर मैं रिव्यू देता हूँ या लोगों को बोलता हूँ कि ये कंपनी का ये होगा या ये होगा, तो लोग मेरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं भाई हमने 40-40, 50-50 लाख का लॉस कर दिया है। मेरे को लगता है यार ये लोग सोच क्या रहे, 40-40, 50-50 लाख यूँ सोचे भी नहीं डाल रहे। तो थोड़ा सोच के समझ के अगर आप उसका आधा पैसा, उसका सिर्फ आधा पैसा यहाँ पे लगा दो, मतलब तकरीबन 20 लाख या 25 लाख, जो 40 लाख लॉस किया था उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो सकता है पर मंथ 20-60% आराम से निकलता है। अभी जो हम प्लान कर रहे हैं ना उसमें पर मंथ 20-60% मिल रहा है। आई बटन पे ऊपर आपको मिल जाएगा, डिटेल में प्लान है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको करना है तो। ट्रेडर बेस्ट है, ब्रोकर भी बेस्ट है, कोई विड्रॉल का अभी झंझट नहीं है। 3 महीने से हम इसको कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जो लोग इस पर वेट करें ना वो वेट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या रिसर्च करनी है, PhD करनी है, क्या करना है आपको दोस्त? हम लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करके पैसे कमाने, ना कि इस पर PhD करनी है। अब लास्ट में आप PhD करते जाओगे, टाइम वेस्ट करते जाओगे और जो कमाने वाले हैं वो कमा रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ पहले से स्टार्ट किया था उनका जो कैपिटल है वो भी सेफ हो चुका है, अभी प्रॉफिट से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे गुजराती में कहावत है, जो माथा देता है वो माल खाता है, मतलब जो अपना सर है वो देता है वो माल खाता है, समझ गए आप? तो जो बंदा रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा। और दोस्तों इसमें रिस्क लेने वाली कौन सी बड़ी बात है यार, कोई भी बिजनेस कर लो, पान का गल्ला भी लगा लोगे ना तब भी उसमें भी रिस्क रहता है, क्या पता चलेगा नहीं चलेगा। और यहाँ पे तो दोस्तों आपका अकाउंट है, आपका पैसा है, आपका email ID है, आपका कंट्रोल है, सब कुछ आपका है। आप जब चाहो इस पैसे को निकाल सकते हो, जो अपना सीड मनी है वो प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट है 20-60% आपका सीड मनी है, पूरा का पूरा निकाल सकते हो। रियल में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली नहीं है आज तक। अब 2 बजे, अभी कितना बजे? 2 बजे, रियल में दिखा हो गया 2 बजे और आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। कुछ तो बात होगा इस कंसेप्ट में और इतने सारे लोग इसको कर रहे हैं, कुछ तो बात होगा ना। तो मानिए, सोचिए, समझिए और करिए, बहुत मज़ा है। अभी जितना जल्दी इसको स्टार्ट करोगे उतना बहुत मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।